ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें तीन गेट हैं, इसके गेट अभी खोल दिए गए हैं क्योंकि अभी गर्मियों का जो है मौसम है तो नीचे पानी कम हो जाने के कारण, पशु पक्षियों को पानी ना मिलने के कारण इसके अभी गेट खोल दिए गए हैं। और दोस्तों जब इसमें जो गेट लगे रहते हैं, जब इसके ऊपर से पानी आता है तो यहाँ का बड़ा जो है शानदार यहाँ का नज़ारा लगता है और एकदम काफ़ी अच्छा लगता है, वो भी मैं आपको कभी दिखाने की यहाँ कोशिश करूँगा। इस पर जब गेट लग जाएंगे बरसात के बाद लगेंगे अब तो, और तो इसके ऊपर से जो पानी गिरता है दोस्तों, यहाँ का दृश्य काफ़ी उस टाइम सुहावना रहता है, मनमोहक रहता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों चारों तरफ का नज़ारा काफ़ी शानदार यहाँ का नज़ारा है। तो चलिए अभी हम इधर चलते हैं, हमको भाई साहब ने बताया था कि इधर की वो जो मगरमच्छ हैं, तो अभी हम वहीं चल रहे हैं। तो धीरे धीरे चलते हैं दोस्तों, तीन मगरमच्छ इसमें बताए जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं। आज देखते हैं हमको मिलते हैं या नहीं, शायद 100% हमको मिलेंगे क्योंकि बता रहे थे भाई साहब यहाँ अधिकतर पानी से बाहर ही रहते हैं वो। तो देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टान है, और काफ़ी सुंदर यहाँ का जो नज़ारा है देखिए कितना सुंदर यहाँ का दृश्य, छोटी छोटी जलधारा बहती हुई पत्थरों के बीच से यह कलकल करती, काफ़ी मनोरम यहाँ का दृश्य है आप देख पा रहे हैं। और हल्की हल्की हवा भी दोस्तों चल रही है। तो चलिए अब हम आगे चल रहे हैं, देखिए वो बता रहे थे वहाँ पे भाई साहब के यहाँ पे मगरमच्छ रहते हैं। यह दोस्तों सिंध नदी है, आगे चल करके यह चंबल में मिलती है, काफ़ी बड़ी नदी है सिंध भी, कोई छोटी मोटी नदी नहीं है दोस्तों। बरसात में आप देख पा रहे हैं ये जो मिट्टी के बड़े बड़े टीले हैं, बरसात में दोनों साइड में यह मिट्टी के टीले हैं जो इनके ऊपर से पानी गुजर जाता है, काफ़ी तेज़ उफान पर रहती है बरसात में यह सिंध नदी। अभी आपको भले दिखने में छोटी लग रही हो लेकिन दोस्तों काफ़ी उफान पर रहती है बरसात के दिनों में, काफ़ी विशाल नदी है सिंध नदी के नाम से यह जानी जाती है। और आगे चल करके यह चंबल में जाकर मिलती है दोस्तों, तो अभी दोस्तों एक रास्ता इधर से भी ऊपर जाने का, एक इधर से, तो इधर से चलते हैं, इधर चलो ना। तो चलिए इधर से अभी हम चल रहे हैं।